नंढी चूंड की मुहिम दौरान फौज ए अदलिया समेत बन इदार खिलाफ का भी तकरीर न थी। इलेक्शन कमीशन 33 तकन में रिथल नंढी चूंड लाए जब्ता इखलाक जारी कर छो। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के नजरिए की उबड़ को भी फल कर दिनों वो मुल्की आजादी ए सालमियत खिलाफ गाल की इजाजत न होंगी। चूंड अमल के बेहतर अंदाज में अगत वाय सियासी पार्टीज पोलिंग एजेंट्स के हिदायतू जारी कन जब्ता इखलाक की भंजकड़ी कद खिलाफ कार्रवाई कई वी। पीटीआई के 43 एमएनए से इस्तीफाओं की मंजूरी वो फैसलो बरकरार है। कौमी असेंबली जो सीटों खाली थे बाबत पीटीआई की प्रोपेगंडा कूड़ी साबित थी। कौमी असेंबली के स्पीकर ऑफिस लाहौर हाईकोर्ट जो फैसलो मिलने की तस्दीक कर छी। स्पीकर ऑफिस मूजब लाहौर हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन के बीहर चूंडू कराने का रोको है। इस्तीफाओं मंजूर करने बाबत स्पीकर के फैसले से हथ चुनाव ना कई वही। फैसले में वाजे लिखल है तो स्पीकर के फैसले खिलाफ को भी रिलीफ नो दई सके। लाहौर हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन के 43 कौमी सतन से नंढी चूंड रोकने जो हुक्म दई छो। पीटीआई के 43 मेंबर्स इस्तीफाओं मंजूर करने खिलाफ दरख्वास्त से चैन सिफन से बदल बुरी फैसलो जारी। अदालत इलेक्शन कमीशन जानायल 43 ही तकन से इलेक्शन जो शेड्यूल जारी न करे। 7 मार्च ताई पीटीआई मेंबर्स के डी नोटिफाई करने वो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया वे तो। अदालत दरख्वास्त बुधनी लाय मंजूर कंदे धुरन के नोटिस जारी कर छिया। लाहौर हाईकोर्ट पंजाब में इलेक्शन की तारीख बाबत तहरीके इंसाफ की दरख्वास्त फैसलो महफूज कर वरतो। अज ही बुधायण जो इम्कान जस्टिस जवाद हसन आईजी पंजाब का पुछाणो कयो तवां इलेक्शन की सिक्योरिटी बाबत छा चवंदा। आईजी जवाब दिनो तो तजवीजू इलेक्शन कमीशन के दिनों आन जो फैसलो इलेक्शन कमीशन कंदी इनके कबूल कंदासी। इमरान खान ए संदस पार्टी ने तरमीमी बिल से वोटिंग का पासो कयो। वोटिंग में हिस्सो न वठंदो पार्टी अदालत में दावा दाखिल कर सके थी। को भी मेंबर ऐवान में खाली छड़े सके तो पार्लियामेंट का मामला अदालत में खड़ी अचण से पार्लियामेंट कमजोर न थी। सुप्रीम कोर्ट ने तरमीम केस में पीटीआई ए इमरान खान के कंडक्ट से सवाल उथारे छड़ा। जस्टिस मंसूर अली शाह रिमार्क्स में इस्तीफा मंजूर न थियण जो मतलब रुकनीत बरकरार है। कानून साजी वक्त बायकाट कर बाद में अदालत अचण से जमहूरियत कमजोर न थी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल दिमाग तनात इन नुक्ते से इमरान खान का जवाब तलब किया वो। इन नुक्ते से अवामी मफाद केस न बुधों तो दरख्वास्त गुजार जो कंडक्ट ठीक न हो। पार्लियामेंट जो बायकॉट पीटीआई के सियासी हुकूमत भी हुई। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान दूसरी दफा अपनी तारीख में आईएमएफ का प्रोग्राम मुकम्मल करे। इसके नतीजे में जो कैलकुलेटेड हमारा है नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो 1.2 बिलियन डॉलर की 894 मिलियन एसटीआर वी विल बी एंटाइटल टू। 170 अरब के जो फिस्कल वेज हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हत्तुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स न लगे जो कि डायरेक्टली गरीब इनडायरेक्ट असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ न बने। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है वो इस वक्त जो है तकरीबन पूरी हो चुकी है। जो 50 रूपये की डीजल पर थी उसमें 4 पूरे हो चुके हैं तो इस पे जो बैलेंस है 10 रूपये वो हमें 5 रूपये 1 अप्रैल को बट ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। जाहिर है कि अगर 170 के लाने तो हमें एक मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा या बिल लाना पड़ेगा। आईएमएफ सा मुआदे तहत 170 अरब रूपये का नवा टैक्स लागू थींदा। नाड़े वाले वफाकी वजीर साहबदार मिनी बजट आने जो इशारो दई छो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साहबदार तहारी हुकूमत इमरान सरकार के दौर में थियल मुआदे से अमल कर रही है। कोशिश होंगी तो पाकिस्तान बो भेरों आईएमएफ जो प्रोग्राम मुकम्मल करे। आईएमएफ पैकेज में 170 अरब रूपये का नवा टैक्स लागू थींदा। कोशिश होंगी तो अड़ो टैक्स न लगाया वे जैसा अवाम से सीधी रीत बार पवे। आईएमएफ जो प्रोग्राम मुकम्मल थियण से 1.5 अरब डॉलर्स मिलंदा। गैस के शोबे में गर्दिशी कर्ज खत्म करना पवंदा। पेट्रोल से लेवी टैक्स लागू नी डीजल से रहल 10% लेवी लगाई वी। इलेक्शन कमीशन आरो एहतजाज ए सरकारी कम में मुदाखलत वे केस में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के तिबी बुनियादों से मुस्तकिल हादसे का छूट वाली दरख्वास्त रद्द। इस्लामाबाद की दहशतगर्दी जोड़ अदालत इमरान खान के 15 फरवरी से पेश थो हुक्म दई छो। अदालत इमरान खान के वीडियो में घुमंदे तिरंदे ऐसी सकते तो
इमरान खान अदालत में पेश थे या नए जमानत केस में कर्क बुधाए दी। अगुणे सदर आसिफ अली सरदारी से कतल की साजिश को इल्जाम लगाने से गिरफ्तार कल अवामी मुस्लिम लीग सरबराह शेख रशीद जमानत लाए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल कराए छड़ी। शेख रशीद दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया सियासी इंतकाम जो निशानो बनाने लाए मथस केस दाखिल किया वह मुतासर धुर न पर कें बे फरियाद से केस दाखिल किया वह जमानती मुचलका जमा कराने लाए तैयार आया। अदालत के सदा है तो जमानत मंजूर कई वे। खिते में सामुंडी तहफ़ुज़ से गड मौसमियाती तब्दीलियों के मुंह दियण की जरूरत है। मैरीटाइम सामुंडी व्यापार के तहफ़ुज़ में अहम किरदार है। कराची में पंडी वजीर लावल भुट्टो सरदारी अमन मशकुन वाली तकरीर के खिताब कदे पाकिस्तान 85% व्यापार समुंड जरिए कह है। सामुंडी वसीला इस्तेमाल करण से इंदड़ नसल के फायदो पाकिस्तान सामुंडी तहफ़ुज़ ला हर वक्त तैयार है। तुर्की ए शाम में तबाही मचाइंदड़ जल्जिले सबब फौतन के अंग में मुसलसल बाद बिन्हीं मुल्क के फौतन जो अंग एक सौ का वी वो रेस्क्यू अमलो रक्त जमाइंदड़ थद में भी इंसानी जानू बचाने के कोशिश में रुधल पाक फौज जो भी जल्जिले सटल इलाक में इमदादी कार्रवाई जारी। पाक फौज की टीम पंच जन के जिंदा बचाए वरतो 41 जन का लाश मलबे हेठा कढ़ी वार से हवाले किया वह। हुकूमत तुर्की के जल्जिले मुतासर लाए 142 टन इमदादी सामान उमाने छो। वजीर आजम शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट से इमदादी सामान जो जायजो वरतो। मीडिया से गालाइंदे वजीर आजम चयो तो तुर्की में 100 साल की तारीख जो बदतरीन जल्जिलो आयो। हजारे मानू फौत हजारे जख्मी आहिन। पाकिस्तानी हुकूमत अवाम पैं तुर्क भाईर के दुखे वक्त में अकेलो न छींदो। तुर्क भाईर की मदद में का भी कसर न छींदी। तुर्क भाईर की मदद लाए एक कमेटी जोड़ी है। अवाम व्यापारी ए फलाई इदारा भरपूर हिस्सो वठन। कंडो मोहम्मद खान वेझो रोड हादसों बिन बार समेत चार जणा खड़े थी फौत एक माड़ू जख्मी। बुलडी शाह करीम रोड से कार ए मोटरसाइकिल में टक्कर थियण सबब बिन बार समेत चार जणा खड़े थी फौती वया एक माड़ू जख्मी। फौतन में आए जख्मी जो वास्तो झोक शरीफ से बुधाया पे वे। पुलिस कार ड्राइवर के भी गिरफ्तार कर वरतो। सिंध में प्राइवेट कर्जन से व्याज खत्म करने जो बिल सिंध असेंबली में पेश। सूबाई वजीर सैद गनी बिल पेश कंदे चयो त व्याज के कंट्रोल करने की कोशिश कंदासी। स्पीकर बिल कमेटी अड़ा उमाने छो। जीडीए एमपीए आरिफ मुस्तफा जतोई कणक के अघ जो नोटिफिकेशन जारी न थियण बाबत ध्यान चुकाए नोटिस पेश कंदे है। सिंध हुकूमत कणक के सरकारी अघ जो अजा ताई नोटिफिकेशन जारी करण में नाकाम वही है। कणक जो बिजो खरीद कर आबादकारन के 5000 देने जो ऐलान थो पर अजा ताई पैसा ना मिलिया। सूबाई वजीर सैद गनी जवाब दींदे चयो तो सूबे में कणक जो सरकारी अघ 4000 रुपया मण मुकरर करण जो नोटिफिकेशन जारी कियो है। 1.5-4 मिलियन मैट्रिक टन खरीदारी जो टारगेट है। क्यामाड़ी के अली अहमद गोट में मुबैना जहरीली गैस पकड़ सबब मानू के फौत वे वाके में डीसी आईजी सिंध के बयान में तजाद है। सिंध हाईकोर्ट गुजर डी वारी बुधणी जो लिखत में हुक्म जारी कर छो। अदालत चयो तो पुलिस पान कार्रवाई छो न कई। सरकार के फरियाद से केस दाखिल छो न कयो वयो। डीसी मौजब शहरी कादिम हुसैन के घर भातन का अलावा को भी फौत ना थो। आईजी पुलिस वाके की शफाफ जांच कराए रियासत के फरियाद से केस दाखिल